वो यंत्र दोस्तों जिसे अपन कूलर बोलते हैं, इसकी मदद से बैरिंग निकाली जाती है पंखे की ये वाली, और इसके नीचे जो पल्ले में लगती है उसकी बैरिंग निकालने के लिए एक दूसरा आता है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि ये दोनों बैरिंगें जो है इसी में फंसी हुई हैं, तो ये इसी से ही निकलेगा। तो अपन इसको निकाल के दिखाते हैं। तो ये है उसका यंत्र, बिल्कुल देखते हैं दोस्तों, बने रहे वीडियो पे। जैसे कि आपकी ये बैरिंग जो है इसमें फंस जाए तो इसको थोड़ी अभी और ढीला करना पड़ेगा। इसको अपन और ढीला कर लेते हैं। ये अपन ने ढीला किया, ये जो मेन इसका बीच का पार्ट है वो यहाँ पे फंसेगा, और ये जो जाएगा इसके जो एक कान टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये इससे बैरिंग फंसेगी। तो अभी और ढीला करना पड़ेगा। ये फंस गया इस तरीके से फंसा के, और इसको फिर ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस तरीके से फंसा के इसको इसको ऐसे पकड़ लेना है मजबूती से, फिर इसको कसना है। तो कसने में थोड़ी ताकत लग रही है। ये बंद कर ले वीडियो। कसते या खोलते या? खोला तो हम कर देना। बैरिंग इसकी इस तरीके से बैरिंग कूलर की मदद से हमने बाहर निकाल ली है। तो पूरा हो ये, अब इसी तरीके से इसके पीछे की बैरिंग निकालनी पड़ेगी। ये निकाला, बंद कर ले, कर प्ले। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अपन को इसके आगे की बैरिंग भी निकाल लेनी है। देखिए हम कसते जा रहे हैं और बैरिंग ऊपर की तरफ आती जा रही थी। ये दोनों बैरिंग निकल चुकी है, ये पंखे के साथ और इस कूलर के साथ। हमने लिया क्या तो बना दें। तो दोस्तों अंदर की जो पल्ले में जो बैरिंग फंसती है उसको निकालने के लिए ये वाले कूलर की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ ही ये, और इसको भी अपन निकाल के दिखाएंगे कि अपन इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे इस तरीके से इसमें डाल लेना है बराबर, फिर ये पट्टी को इसके बीच में इस तरीके से इसको बीच में डाल लेना है। इसमें एक सुराग है दोस्तों, इस सुराग में एक कोई ऐसी चीज़ जिसको घूमने ना दे, एक टेस्टर वगैरह कुछ भी ऐसा डाल लेना है इसमें, और फिर इसको घुमाते जाना है। इस तरीके से घुमाएंगे दोस्तों तो ये बैरिंग ऐसी निकल आएगी। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, इस तरीके से कुछ अपन इसको ऐसे निकालते हैं और ये बैरिंग इसके पल्ले में से बाहर आ जाती है।